गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। पुरुष और प्रकृति इन दोनों के व्यवहार से, इन दोनों के साथ साथ रहने से यह संसार है और बना रहता है। इस दोन में से प्रकृति और पुरुष हम किसको महत्व दे रहे हैं, प्रकृति को या पुरुष को? जब हम प्रकृति को महत्व देते हैं तो हमारी पूरी की पूरी साधना केवल उपाधि के ही क्षेत्र में रहती है। फिर उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि विचारानुगत वितर्कानुगत अस्मितानुगत एंड आनंदानुगत, ये सभी का सभी प्रकृति के क्षेत्र का व्यापार है और इसी में हम लगे रहते हैं। और दूसरी प्रक्रिया है, हम ध्यान देते हैं पुरुष के तरफ, चैतन्य के प्रति। तो ये दो प्रकार की साधना के अनुसार दो प्रकार की स्थितियां निर्माण होती है। जब हम प्रकृति के नियंत्रण में लगे हैं तो त्रिपुरा रहस्य के अनुसार हम हो गए मध्यम स्तर के ज्ञानी। और जब हम लगे रहते हैं चैतन्य को प्रधानता दे करके तो हो गए हम उत्तम ज्ञानी की दिशा में अग्रसर। अब देखो इन दोनों का वर्णन यहां स्पष्ट किया है। वैसे देखा जाए तो तीन है, एक है जो सबसे कम दर्जे का ज्ञानी है। तो जो सबसे कम दर्जे का ज्ञानी है, मंद ज्ञानवताम देह संस्था मूढ़ समाही सहा, तो जो मंद ज्ञानी है वह देहात्म भाव से रहता है। प्रवचन के समय ब्रह्म, प्रवचन के बाद भ्रम, पहली प्रश्न, ये मंद ज्ञानी। दूसरा है मध्य ज्ञानी। ये मध्यम ज्ञानी कौन है? मध्यम ज्ञानी वो है कि जिसका देहात्म भाव टूट गया है और वह इस जगत में व्यवहार करने के लायक नहीं होता, उसके देह के तादात्म्य खत्म होने के कारण वह जगत में व्यापार करने के लायक नहीं रहता। और इसीलिए ऐसे लोगों का, ऐसे महाज्ञानियों का, सिद्ध पुरुषों का, योगियों का जो व्यवहार है वो हम लोगों के गणित में नहीं बैठता। कुछ भी करेंगे, कुछ भी खाएंगे, कहीं भी जाएंगे, लेकिन चूंकि वो देहात्म भाव से ऊपर उठ चुके हैं इसीलिए हम लोगों के, माने जो देहात्म बुद्धि से जीते हैं, तो हम लोगों के नियम उन पर लागू नहीं होते। तो यह जो अवधूत है यह वर्णाश्रम अवस्था के परे है। जो वर्णाश्रम अवस्था में रहते हैं वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, इस मर्यादा में उनका जीवन है। लेकिन जो ये मध्यम प्रकार के ज्ञानी हैं, जिनका देहात्म भाव खत्म हो गया है
और वो देहात्म भाव का त्याग करके जी रहे हैं, ऐसे जो संत है, महाज्ञानी पुरुष है, वो व्यवहार में नहीं रह सकते। और इसीलिए ऐसे संतों के साथ सबका रहना संभव नहीं। और ऐसे जो संत होते हैं वो किसी भी प्रकार की संस्था का निर्माण करने के चक्कर में नहीं रहते। उनके अगल बगल में बाद में भले कोई संस्था खड़ी हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं जीते कि उन्होंने एक फिर कोई मिशन बना लिया और फिर चेले चपाते इकट्ठे कर लिए और फिर आश्रम बनाया और फिर गद्दा बनाया। एक बार की बात है, गद्दे से हमको याद आ गया, एक स्थान पर एक कोई महात्मा है और बूढ़े हैं, 90 नॉट आउट, अब पता नहीं आउट हो गए क्या। तो उन्होंने किसी एक रोड के बगल में छोटा सा गणेश जी का, हनुमान जी का मंदिर स्थापन कर दिया और वहां उन्होंने काफी साधना करी, योग साधना की। और धीरे 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 गांवों में, हमारे यहां जब पत्थरों में भगवान को देखते हैं तो बाबा जी में क्यों नहीं देखेंगे। तो वहां उन्होंने अनेक साल तक रहे, कहीं गए नहीं। तो धीरे धीरे उनका नाम महिमा होने लग गया, बड़े महात्मा जी है, भगवान के बड़े भगत है, पूजा करते हैं और किसी से बात नहीं करते। और अनेक सालों तक वो वहां रहे और उसके पश्चात धीरे धीरे अगल बगल की जमीन खरीद ली, फिर वहां पेड़ पौधे लगाए, छोटा सा कमरा बनाया, फिर मंदिर बड़ा हुआ। और इसी प्रकार से धीरे धीरे लंगोटी से लेकर के हनुमान जी के पुष्प के जैसे धीरे धीरे सब बढ़ जाता है। अच्छा, एक बार वो कहीं सीढ़ी पर चढ़ करके कुछ ठोक ठाक कर रहे थे और गिर गए। नीचे गिरने के कारण उनकी कमर की या पेल्विक बोन टूट गया और ऑपरेशन ये वो, और अपने कुर्सी में हो गए। अब उनके दिमाग में परमात्मा निकल गया, अब इस आश्रम को देखने वाला कौन होगा। और सभी के सभी जो ट्रस्टी बने हैं गांव के, वो वेट कर रहे हैं ये कब जाता है। और ये महात्मा चाहते हैं उनमें से किसी को नहीं देंगे। तो मेरे पास मैसेज आया, उनका एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरे पास आए। आने के बाद मुझे वहां ले गए जबरदस्ती, आप एक बार आओ तो सही। और हमने कहा काहे के लिए, बोले ऐसी ऐसी बात है, हम चाहते हैं कि वो स्थान आप स्वीकार करो और उस गद्दे पर आप बैठो। हमने कहा प्रभु गद्दे पर तो हम सोते हैं, बैठते थोड़ी है, देखो। और फिर उसी में फंसे। तो जो मध्यम प्रकार के ज्ञानी है वो इस चक्कर में नहीं पड़ते, जो मंद ज्ञानी है वो इसी में फंसे रहते हैं, क्योंकि उनका देहात्म भाव खत्म हो चुका है। इसीलिए स्थूल जगत को लेकर के कोई विशेष प्रकार के व्यापार इत्यादि उनके द्वारा नहीं हो सकते। ये अवधूत संत द्वितीय श्रेणी के हो गए ज्ञानी। अब उत्तम ज्ञानी के लक्षण उन्होंने बताए। उत्तम ज्ञानी कौन है? उत्तम ज्ञानी वह है जो साधारण अज्ञानी के जैसे रहता है, जिसका देहात्म भाव संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो इस जगत में व्यवहार करते हुए भी किसी भी व्यवहार के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वह हो गया उत्तम ज्ञानी। अब ये तीन ज्ञानी इकट्ठे हो गए। जो मंद ज्ञानी है वो ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करके प्रवचन के समय ब्रह्म, बाद में ब्रह्म। जो मध्यम ज्ञानी है उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, और जो उत्तम ज्ञानी है उनके लिए यह जीवन सर्वसामान्य लोगों के जैसा चल रहा है।
अपने में किसी प्रकार की विशेषता का अध्यारोपण करके वो जीते नहीं। देखो, और ये सब करते हुए भी उनका जो जीवन है देहात्म भाव से ऊपर उठ चुके हैं। इसका वर्णन भगवान शंकराचार्य करते हैं अपने भज गोविंदम में। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। तो यह जो उत्तम ज्ञानी है, यह व्यवहार में कुशल लेकिन व्यवहार के द्वारा प्रभावित नहीं, यह देह के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है लेकिन देहहीन बनकर के नहीं, तो ऐसे यह उत्तम ज्ञानी की बात हो गई। इसके पश्चात दत्तात्रेय भगवान ने बताया, देखो इसके बारे में, ये भिन्न ज्ञानियों के बारे में एक कहानी मैं तुमको सुनाता हूं। और फिर रत्नांगद नाम का राजा था, उसके दो पुत्र थे। ये दो पुत्रों का झगड़ा और दो पुत्रों की दोस्ती, कितना फर्क है देखो। तो ये दो पुत्र जो थे, एक था हेमांगद और दूसरा रुक्मांगद। रुक्मांगद जो था वो बड़ा शास्त्र में निपुण था और वो शास्त्रार्थ करने में उसको बड़ी खुजली होती थी। मुझे एक बार किसी ने पूछा था, स्वामी जी ये लोग प्रवचन क्यों करते हैं? हमने कहा जबान के जब खुजली होती है ना तब प्रवचन करते हैं, हाथ को जब खुजली होती है तब पुस्तक लिखते हैं, और दिमाग को जब खुजली होती है तो लोगों को परेशान करते हैं। ये सब खुजली का धंधा है और कुछ नहीं। तो ये दो पुत्र में से एक शास्त्र में बड़ा निपुण, एक बार ये सब लोग गए जंगल में शिकार खेलने के लिए और वहां उन्होंने सुना ऐसा ऐसा एक ब्रह्म राक्षस है और वो बड़ा शास्त्रार्थ करने में निपुण है। तो पहुंच गए और इस रुक्मांगद को उस ब्रह्म राक्षस ने हरा दिया। ब्रह्म राक्षस का हमने कल आपको अर्थ बताया। देखो राक्षस, यह शब्द मालूम है कैसा बना है? साक्षर एजुकेटेड, साक्षर जब उल्टा हो जाता है तो राक्षस हो जाता है। एजुकेटेड इलिटरेट्स आर कॉल्ड एज राक्षस, एंड एजुकेटेड इलिटरेट इन द फील्ड ऑफ द स्क्रिप्चर्स आर कॉल्ड एज ब्रह्म राक्षस, क्योंकि ब्रह्म को पढ़े। देखो यदि ब्रह्म एकमेव अद्वितीय नेह नानास्ति किंचन, तो काहे का मैं और तू का झगड़ा है? तो यदा उदरम अंतरम गुरुते अथ तस्य भयम गतो भवति, थोड़ा भी भेद इस तत्व में किया तो वो व्यक्ति हमेशा डर डर के जिएगा, वो कभी भी निडर होके नहीं जी सकता क्योंकि डर लगेगा कोई कुछ ले न जावे। तो यह जो रुक्मांगद है उसको अब वो राक्षस खाने को तैयार। तो उसका जो भाई है हेमांगद, वो नहीं कहता अच्छा हो गया ले जाए इसको, अब मुझे सब प्रॉपर्टी मिल जाएगी। हाँ, तो उसने कहा कि देखो ब्रह्म राक्षस महाराज, इसके बदले में आप जो चाहे मैं दे दूं लेकिन मेरे भाई को मत खाना। और उसने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता, मुझे भूख लगी है, बढ़िया बढ़िया नाश्ता सामने आया, कौन छोड़ेगा उसको, फिर भी मुझे कुछ प्रश्न परेशान कर रहे हैं उसके उत्तर दो। और उस प्रसंग पर हम पहुंच चुके। उसके बाद उन्होंने प्रश्न पूछे, आकाशाद् वितता यास्यात् सूक्ष्मा च परमाणुतः सा किम रूपा स्थिता कुत्र वदै तद्रूप पुत्रकम्। वितता चितिराकाशात् सूक्ष्मा च परमाणुतः स्फुरद् रूपा स्वात्म संस्था शृणु त्वं ब्रह्म राक्षस। ये पहले तीन प्रश्न हमने कल देखे थे। प्रश्न था कि जो आकाश से भी विस्तीर्ण है,
विस्तृत है, बड़ी है और सबसे सूक्ष्म है, परमाणु से भी सूक्ष्म है, वो क्या है और उसका स्वरूप क्या है और स्थिता कुत्र और वो कहाँ है, ये हमें बताओ। तो हिमांगद ने कहा कि चिति माने शुद्ध चैतन्य, चित या संवित, ये भिन्न भिन्न शब्द है। चैतन्य, चिति, चित, संवित, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, द डिवाइन पावर, माया, शक्ति, राधा, सीता, ये सभी के सभी शब्द इसी एक तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यह जो चिति है, यह आकाश से भी विस्तृत है और परमाणु से भी सूक्ष्म है और यह स्फुरण रूपा है और अपने आत्मा में ही स्थित है। ये बताने की, इसके बारे में हमने आपको कल बता दिया था। अब दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे संभव है, एकापि सा अतिवितता कथम सूक्ष्मतरा भवेत, स्फुरत्वम किम किमात्मा च वदेत नृपनंदन। ये कैसे संभव है कि वो एक ही है और अत्यंत विस्तृत भी है और अत्यंत सूक्ष्म भी है, ये कैसे हो सकता है, और ये स्फुरण क्या है और आत्मा क्या है बताओ। तो उसके रूप में बताते हैं, कारणत्वात् वितता सूक्ष्मा अग्राह्यत्वतो च स्फुरत्वात्मा च चिति श्रृणुत्वं ब्रह्म राक्षस। कारणत्वात् यह अत्यंत विस्तृत है, कारण क्या है कि ये सबका कारण है, कारण कार्य में अनुगत होता है, जो सबका कारण होगा वो सबसे ज्यादा विस्तृत होगा, इसीलिए यह चिति विस्तृत है। अब इसको समझ लो, देखो ये जो समझने की प्रक्रिया है यही वास्तविक प्रक्रिया है आध्यात्मिक जीवन की, बाकी की जो प्रक्रिया है अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन जैसे हम हमेशा KG1 KG2 में ही नहीं रह सकते, कभी तो बड़े हो, तो वहां बताते हैं कि यह रूप रंग उदाहरण के लिए कहां स्थित है, रूप रंग की स्थिति है अपने दृष्टि में, यह दृष्टि कहां है आंखों में और आंखें दृष्टि कहां है ये है मन में, मन कहां है वो है बुद्धि में, बुद्धि कहां है चैतन्य में, और इसीलिए यह संपूर्ण जो जगत है यह चैतन्यमय है, ध्यान से सुनना। इसीलिए जैसे मुझे किसी ने कल परसों पूछा, स्वामी जी ये महात्मा लोग दाढ़ी क्यों बढ़ाते हैं, हमने कहा कि आलसी होते इसलिए बढ़ाते, आप तो आलसी नहीं लगते, हमने आपको क्या मालूम। तो लेकिन भगवान राम भगवान कृष्ण को तो दाढ़ी नहीं थी, हमने कहा वो महात्मा थोड़ी थे, महात्मा तो हम है, फिर वो कौन थे, हमने कहा हाँ वो तो भगवान थे, और भगवान का विग्रह जो होता है चैतन्य विग्रह होता है, इसीलिए रामायण में इत्यादि में आता है भगवान के सब आभूषण वस्त्र आयुध सभी के सभी चैतन्यमय थे। तो यह संपूर्ण विश्व केवल चैतन्यमय है, ध्यान से समझ लेना। जिस दिन हमको यह संपूर्ण विश्व चैतन्यमय अनुभूत होने लगेगा उस दिन उसके बाद कुछ भी प्राप्तव्य नहीं रहता। इस जगत के प्रति राग द्वेष अपना पराया यह सब खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए जब हम जागृत में आ जाते हैं स्वप्न का त्याग करके, तो स्वप्न में दिखे हुए दृश्य दृष्टा और दर्शन ये सभी का सभी अपना मन ही था, ये जिसको समझ में आ जाता है वो अपने सपने में दिखे गए दुश्मन के प्रति द्वेष नहीं करेगा,
और सपने में दिखी गई पत्नी के प्रति प्रेम नहीं करेगा। स्वामी जी आपको क्या मालूम है, हम तो जागृत में भी नहीं करते। पत्नी कोई प्रेम करने की वस्तु थोड़ी है, नारायण कहो। तो यह संपूर्ण जगत केवल चिन्मय है और इसीलिए यह चैतन्य अति विस्तृत है। और कारणत्वात् हि वितता सूक्ष्मा च अग्राह्यत्वतः अपि च। यह सूक्ष्म क्यों है, इसलिए सूक्ष्म है कि यह किसी भी माध्यम से ग्रहण नहीं की जाती, क्योंकि इसके रूप रंग नहीं है, आंखें फेल हो गई, क्योंकि इसकी कोई आवाज नहीं है, कान फेल हो गए, क्योंकि इसका कोई स्पर्श नहीं हो सकता, आपका त्वगेंद्रिय खराब हो गया, क्योंकि इसकी कोई गंध नहीं है तो आपकी नाक कट गई, और क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं है तो उसकी टंग खत्म हो गई, क्योंकि यह कोई भावना नहीं है तो मन पागल हो गया, क्योंकि यह कंसेप्ट नहीं है बुद्धि काम नहीं करेगी, क्यों ये आपसे भिन्न नहीं है आप इसको पहचान नहीं पाओगे। देखो, और इसीलिए ये अत्यंत सूक्ष्म है। शास्त्रों में सूक्ष्म की परिभाषा अनेक प्रकार से बताते हैं। जो जितना ज्यादा स्थूल होगा उतने उसमें गुण ज्यादा होंगे। देखो ये बड़े गुणवान है, माने बड़े स्थूल है। पृथ्वी के पांच गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और जल तत्व के चार गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं होना चाहिए, वो तो प्रभु की लीला है। अग्नि के तीन ही गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध अग्नि में नहीं होता, इसीलिए उडुपी होटल वाले मालूम है क्या करते हैं, उसमें रस भी नहीं और गंध भी नहीं। इतना गरम गरम रसम देंगे, सांभर देंगे तो खाते खाते ओह ओह कैसा रहा, गरम रहा, टेस्ट का सवाल ही नहीं। तो शब्द स्पर्श रूप, फिर आते हैं वायु में, वायु में केवल दो गुण है, शब्द और स्पर्श, रूप रस गंध इत्यादि नहीं। आकाश में केवल एक ही है, शब्द मात्र, मन में ये पांचों नहीं है, लेकिन मन में वृत्तियां है, मन में संशय है, मन में विपर्यय है, मन में चंचलता है, मन में किसी प्रकार का निश्चय नहीं है। इससे भी सूक्ष्म जब चले जाते हैं बुद्धि के स्तर पर, तो बुद्धि में ये सब खत्म हो गया और निश्चयात्मिका वृत्ति निर्माण हो गई, और ये बुद्धि के भी परे जो चिति है, चैतन्य है, संवित है, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, इसमें इसका किसी का भी नाम मात्र भी नहीं है, और इसीलिए यह शुद्ध चिति अत्यंत सूक्ष्मा है। तो सूक्ष्मा अग्राह्यत्वतः, और इसीलिए आप किसी भी प्रकार से तत्व को ग्रहण करने का प्रयत्न करो, गारंटी फेल्यूर। हमारे केनोपनिषद में शिष्य पहुंचता है गुरु महाराज के पास और बड़ी अंग्रेजी झाड़ता है, कि नेषितम पतति प्रेषितम मनहा, किसके द्वारा प्रेरित होकर के, ईशित होकर के मन अपने क्षेत्र में भ्रमण करता है, आंखें अपने क्षेत्र में जाती है, कान अपने क्षेत्र में जाते हैं और वाणी अपने क्षेत्र में जाती है, वह कौन है? तो गुरु महाराज कहते हैं ये कान का कान, ये नाक का नाक, ये जबान की जबान है, ये मन का मन है, ये बुद्धि की बुद्धि है। अरे आप तो कंफ्यूजन करा रहे हो, इसको कैसे पहचाने? तुम नहीं पहचान पाओगे। कारण क्या? न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाक् गच्छति, न मनः, न विद्मः। तुम्हारे कोई भी इंद्रिय वहां काम नहीं करेंगे। तो फिर हमको समझाओ ना, न विद्मः यथा एतद् अनुशिष्यात्, हम ये भी नहीं जानते कैसे समझावे। अरे राम, तो फिर हम गलत जगह आ गए, 100% गलत जगह आ गए। ऐसे मत करना, ऐसे मत करना गुरु महाराज, कुछ तो बताओ। अच्छा सुनो,
अपन के गुरु ने अपन को जो बताया वो आपको सुनाते हैं। ये नस्तद विचक्षरे, जो हमको हमारे गुरु ने बताया वो आपको बता दे। क्या बताया था आपके गुरु ने? अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि, तत्व ज्ञात और अज्ञात के परे है। तत्व क्या है ये नहीं बताया। अब ये क्या है ज्ञात और अज्ञात? अब ढूंढ ढूंढे मुझे क्या मालूम, तुमको क्या मालूम है क्या मालूम नहीं? मुझे अंग्रेजी मालूम है, तत्व अंग्रेजी नहीं है। मुझे संस्कृत मालूम नहीं है तो तत्व संस्कृत भी नहीं है। ज्ञात और अज्ञात के परे, ज्ञात में आ जाता है जागृत स्वप्न और अज्ञात में आ जाती है सुषुप्ति समाधि। इन सब के परे जो है वो, और उसके पश्चात विद्यार्थी कहता हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। खाक क्या बताया था तुमको, ये समझ में नहीं आ सकता। आ गया ना मजा? ये जो मजा है ये परमात्मा है। समझने का ट्राई मत करो। जितना आप बिना वृत्ति के अभाव का अनुभव करोगे, जो अभाव को भाव देता है वह परमात्मा है। देखो आप शब्द को जो सुनते हो ना, तो शब्द को आप भावात्मक रूप से सुनते हो, शब्द होते हैं। और जो शब्द का अभाव है, शांति है, इस शब्द के अभाव में जो होता है वह परमात्मा है। जो सबके अभाव में भी टिका है, चाहे जागृत आ जावे चली जावे, स्वप्न आवे चला जावे, सुषुप्ति आवे चली जावे, समाधि आवे चली जावे, लेकिन जिसका ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, यह नित्य उपलब्ध अप्रमेय अग्राह्य जो वस्तु है वह परमात्म तत्व है। यहां की भाषा में वह चिति है, पर इसीलिए वह अत्यंत सूक्ष्म है। स्फुरत्वम आत्मा च चिति ही, और स्फुरण और आत्मा, स्फुरत्वम आत्मा च, ये दोनों भी चैतन्य ही है, चिति ही है, ये कोई अलग अलग नहीं है। जरा इसको जरा ध्यान से सुनना। कार और कार की स्पीड, जब कार दौड़ रही है तो हम देखते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो कार की स्पीड है ये कार से भिन्न है, देखो। लेकिन क्या ये कार की स्पीड बिना कार के हो सकती है? नहीं। और उसको स्पीड नहीं हो तो उसको कार कहेंगे क्या? नहीं। क्या कहोगे? बेकार। देखो इसी प्रकार से स्फुरणा और चैतन्य और आत्मा, ये सब एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न नाम है। आत्मा ही स्फुरित होता है, स्पीड कार की ही होगी, बिना कार के स्पीड नहीं हो सकती। इसी प्रकार से जो चैतन्य स्वरूप मय है उसी की स्पुरणा है, इसीलिए उसको उदाहरण से समझना हो तो समुद्र के स्थान पर चैतन्य को रख दो, चिति को रख दो, और समुद्र को जब आप देखो अगले बार गुद मत लेना, वी शुड नॉट पोल्यूट। उस समुद्र में आपको एक गति दिखेगी, जिस गति के कारण द ओशन इज हीविंग, जैसे हम लोग सांस लेते हैं उस प्रकार से देखो समुद्र के तरफ, उसमें हीविंग हो रहा है, और उसके कारण वो है स्फुरणा, और उस स्फुरणा के कारण यह समुद्र के पानी में गति आ जाती है, और वो गति के कारण उसमें लहरें आ जाती है। तो कितनी बातें हो गई, पानी, समुद्र, स्फुरणा, गति, लहरें। इसी प्रकार से
शुद्ध परमात्म तत्व जो है नहीं है के परे है, शुद्ध परमात्म तत्व जो जड़ चेतन के परे है, शुद्ध परमात्म तत्व जो सुख दुख के परे है, ऐसे शुद्ध परमात्म तत्व की पहली अभिव्यक्ति चैतन्य के रूप में। तो यह जो परमात्मा की स्फुरणा है इसी को कहेंगे चिति या संवित। और यह चैतन्य या चिति यह जब स्फुरित हो जाती है तब उसी को कहेंगे मन, क्योंकि उसके कारण में अब मन में या चिति में वृत्तियां निर्माण हो गई और वृत्तियों के कारण अन्यत्व का भाव निर्माण हो गया, अन्यत्व के भाव के कारण जड़ चेतन की निर्मिति हो गई और ये जड़ चेतन के निर्मिति के कारण संसार निर्माण हो गया। इसीलिए चैतन्य आत्मा चिति स्फुरणा परमात्मा ब्रह्म भगवान ईश्वर अंतर्यामी ये सभी के सभी एक ही वस्तु के नाम है और ये अपना असली स्वरूप है। इसलिए आत्मत्वेन स्वस्फुरत्वम आत्मा च चिति श्रुणुत्वम ब्रह्म राक्षस। फिर स्थानम तम उपलब्धौ किम कथम वा सोपलभ्यते उपलब्धा च किम वा स्याद् एतद्वद नृपनंदन। हे नृपनंदन राजकुमार हमको बताओ अब कि यह जो चिति है चैतन्य है इसके उपलब्धि का स्थान कहाँ है। पहली बात कथम सा उपलब्ध्यते, यह संवित या चैतन्य किस प्रकार से उपलब्ध किया जा सकता है और उपलब्ध हो भी गया तो क्या होगा, अब हमको बताओ इसके बारे में। तो कहते हैं धी स्थानम उपलब्धौ तु स्वैकाग्र्यात् सोपलभ्यते उपलब्धा च जनिर्न स्यात् श्रुणुत्वं ब्रह्म राक्षस। देखो इस चैतन्य के उपलब्धि का स्थान है अपनी बुद्धि। अब अत्यंत सूक्ष्मता से एकाग्रता से सुनो। देखो हमारा स्थूल देह और संपूर्ण जगत यह अस्तित्व प्रधान है, फिर प्राणों में अस्तित्व के साथ गति आ जाती है, फिर मन में अस्तित्व भी है गति भी है और ज्ञान भी है, और बुद्धि में अस्तित्व भी है गति भी है ज्ञान भी है और चैतन्य का प्रतिबिंब भी है, और इस चैतन्य के प्रतिबिंब को लेकर के बिंब के तरफ हम जा सकते हैं। देखो हम लोगों ने भागवत में सुना था जैसे आप अपने कमरे में सो रहे हो दरवाजा बंद करके और उठे तो पता ही नहीं कितने बजे, बड़े थके हुए थे, इधर उधर देखा तो कहीं एक छोटा सा छेद था छत को या दीवार को, उसमें से सूर्य की किरण आ गई अंदर, तो सूर्य के किरण के आधार से हम बाहर पहुंचेंगे, बाहर सूर्योदय हो चुका है। इसी प्रकार से चैतन्य के अभिव्यक्ति का जो स्थान है वह बुद्धि है और उस बुद्धि में जो चैतन्य की अभिव्यक्ति है उसको चिदाभास कहते हैं और इस चिदाभास को लेकर के हम चैतन्य की तरफ अपने मन को लगा सकते हैं। इसीलिए बुद्धि ही परमात्मा के या चैतन्य के उपलब्धि का स्थान कहा जाता है। देखो इसको ठीक से समझ लेना, जिंदे आदमी में भी चेतना होती है और मुर्दे में भी होती है, मुर्दे में चेतना नहीं हो
तो उसमें परिवर्तन कैसा हो रहा है मरने के बाद। जो परिवर्तन मृत्यु के पश्चात देह में होता है वह तभी संभव है कि जब वह चैतन्य से युक्त है। तो फिर मुर्दे में और जिंदा आदमी में क्या फर्क है? तो वह देह जब उस चेतना को मन के रूप में अभिव्यक्त करने के लिए सक्षम होता है तब उस देह को जिंदा कहते हैं। देखो, फ्यूज बल्ब और अच्छा बल्ब दोनों में क्या फर्क है? आकृति से कोई फर्क नहीं, वजन से कोई फर्क नहीं, लेकिन जो फ्यूज बल्ब है उसमें बिजली की अभिव्यक्ति प्रकाश के रूप में नहीं हो सकती, और जो जिंदा बल्ब है उसमें बिजली की अभिव्यक्ति प्रकाश के रूप में हो सकती है। इसी प्रकार से वह देह जिसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति मन के रूप में होती है वह देह जिंदा है, और यह जो मन है दो प्रकार से अभिव्यक्त होता है। एक तो अंतर्यामी रूप से और दूसरा व्यक्तित्व के रूप में। अंतर्यामी रूप जो मन है वह बंधन का कारण नहीं है। योग शास्त्र में अंतर्यामी मन को ही ईश्वर कहा गया है, और यही मन देह के आकार को धारण करके केवल यह देह मात्र मैं हूं इसमें फंस करके अपने आप को अन्यों से अलग कर लेता है तो व्यक्तित्व निर्माण हो गया, वहां मैं निर्माण हो गया। देखो, इसीलिए जब कोई व्यक्ति कोमा में होता है तो क्या कंडीशन है कोमा की? देह में वो क्षमता है कि जिसके कारण वह देह चैतन्य को मन के रूप में अभिव्यक्त कर सकता है, लेकिन मन की वो क्षमता समाप्त तो हो गई है जिसमें देह मैं हूं यह भाव निर्माण नहीं होता। इसीलिए कोमा वाला जो देह है वो मरता नहीं है, वो चलता है अंदर में उस सब काम। देखो, इसीलिए यह जो उपलब्धि इस चैतन्य की कहां होती है? तो बुद्धि में। तो यह बुद्धि में क्यों उपलब्धि होती है? क्योंकि सूक्ष्मता के कारण। जैसे आप दीवार के सामने खड़े हो जाओ तो आपको आपका मुख कमल नहीं दिखेगा, केवल दीवार का कमल ही दिखेगा। और आप यदि एक साफ सुथरे दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो वहां आपको अपना मुख कमल दिखेगा। तो आपके चेहरे में प्रॉब्लम थी क्या? लोग कहते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। तो हम जब दर्पण के सामने है तो दर्पण में वो क्षमता है कि हमारे चेहरे का प्रतिबिंब वहां पड़े। इसी प्रकार से बुद्धि के सूक्ष्मता के और स्वच्छता के कारण बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ करके वहां मैं का भाव निर्माण हो जाता है। देखो, अब कितनी स्टेजेस हो गई। जगत और देह अस्तित्व प्रधान, प्राण अस्तित्व और गति दो बातें उसमें आ गई। मन अस्तित्व गति और ज्ञान, और बुद्धि अस्तित्व गति ज्ञान और मैं। और इसीलिए इस मैं का जब अनुसंधान करते हैं मानसम तो किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्गे आर्जवान। मन क्या है इसका जब अनुसंधान करते हैं तो पता चलता है मन नाम की कोई वस्तु नहीं है। और फिर मन दो वृत्तियों का व्यापार है, इदम वृत्ति और अहम वृत्ति, इन दोनों वृत्तियों के व्यापार को मन कहते हैं। और जितनी इदम वृत्तियां हैं वो अनेक होती है, और अहम वृत्ति केवल एक है।
और इस अहम वृत्ति पर आधारित सभी इदम वृत्तियां होती है, और इसीलिए इन सभी इदम वृत्तियों का आधार अहम वृत्ति जो है वही मन है। और ये अहम वृत्ति को यहां उन्होंने कहा है धी स्थानम उपलब्धौ, तो जहां मैं का भाव निर्माण होता है वह मैं का भाव जिस बुद्धि में उपलब्ध होता है वह बुद्धि इस चैतन्य के उपलब्धि का एड्रेस है। मैं प्लस वृत्ति अहम वृत्ति और मैं बगर वृत्ति, वृत्ति युक्त मैं को जीव कहते हैं, वृत्ति रहित मैं को परमात्मा कहते हैं। इसीलिए दोनों के लिए एक ही शब्द का उपयोग है अहम, क्योंकि अहम माने क्या, जिसका कभी नाश नहीं होता उसको अहम कहते हैं। ओ माने नहीं, हम माने हननम, जिसका कभी नाश नहीं होता। ये ईगो का कभी नाश नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो है ही नहीं। वंध्या पुत्र को कैसे मारोगे? देखो, यदि आपने स्विच ऑन किया बल्ब का, तो बल्ब में बिजली आई और स्विच आपने ऑफ कर दिया, तो क्या आपने वो प्रकाश को मार दिया है क्या? नहीं, प्रकाश की बल्ब में बिजली के रूप में अभिव्यक्ति है, वो निर्मित भी नहीं होती और नष्ट भी नहीं होती। ये तो उस बल्ब की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से देखो, मुंडकोपनिषद के भाष्य में भगवान शंकराचार्य इस जीव की बात बड़ी सुंदर प्रक्रिया से बताते हैं। कहते हैं कि परमात्मा आकाश स्वरूप है और उस एक आकाश में अनेक आकाश निर्माण हो जाते हैं उपाधि के कारण। जैसे एक मटका है, तो मटके का जो आकाश है अंदर का उसको हम कहेंगे घटा आकाश। ये जो कमरा है इसको हम कहेंगे कमराकाश, और बाहर का जो खुला आकाश है उसको कहेंगे महाकाश। ध्यान से सुनना, जब ये कमरा बना उसके बाद इसको सत्संग का हॉल बनाना है तो अंदर की अरेंजमेंट अलग करनी है, यदि यहां स्कूल चलानी है तो अंदर की अरेंजमेंट बदलनी है। इसी प्रकार से जब ये हॉल बना तो उसके अंदर में आकाश भरा क्या? नहीं, जब मटका बनता है तो मटके के बनते के साथ ही मटका आकाश अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता। और जब ये मटका भंग हो गया तब क्या मटका आकाश भंग हो गया? नहीं, आकाश का नाश नहीं होता। इसी प्रकार से उपाधि के ये पंच कोशों की जो उपाधि है इसके निर्मिति के साथ साथ ही यह जीव भाव निर्माण हो जाता है, और जहां ये उपाधि नष्ट हो गई ये जीव भाव खत्म हो गया। देखो, देहात्म भाव चाहे आदमी का रहे चाहे गधे का रहे, चाहे चिपकली का रहे चाहे कॉकरोच का रहे, उसकी क्वालिटी एक ही होती है, अलग नहीं होती। जैसा हम पर हमको कोई मारने के लिए आए तो हम अपने को बचाते हैं क्योंकि देहात्म भाव के कारण, इसी प्रकार से एक चिपकली को मारने को जाओ वो थोड़ी कहेगी अच्छा है देह मुझे अच्छा नहीं लगता मार डालो, हाँ वो उसमें फंसी है। तो जो देहात्म भाव की क्वालिटी है वो सभी उपाधियों में सामान्य है, अलग नहीं है। और इसीलिए जीव जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है, उसमें फंसना मत। और जहां आपका ध्यान इस प्रकार से इसमें गया, जहां बुद्धि की उपाधि है उस बुद्धि की उपाधि में
परमात्मा के या चैतन्य के अभिव्यक्ति की क्षमता है और उस चिदाभास के कारण उस जड़ वृत्ति में चैतन्य का संचार हो जाता है और वह जो वृत्ति है वो चेतनात्मिका भासती है, होती नहीं। और वह जो चेतनात्मिका बुद्धि की वृत्ति है उसको लेकर के ही चैतन्य का अनुसंधान किया जाता है। इसीलिए जब हम इस मय का अनुसंधान करते हैं, बुद्धि में स्थित इस चैतन्य के प्रतिबिंब को पकड़ करके, तो धीरे धीरे यह अहम वृत्ति में से वृत्ति को हटा दो। अहम वृत्ति इदम वृत्ति का प्रकाशक है, लेकिन इदम वृत्तियां खत्म हो गई तो अहम वृत्ति को प्रकाशित करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा? ये अहम वृत्ति भी नष्ट हो जाएगी, बचेगा क्या? वृत्ति रहित अहम। यह जो वृत्ति रहित अहम, इसका कभी नाश नहीं होता, और जो वृत्ति युक्त अहम है ये होता ही नहीं, तो नाश काहे का होगा? इसीलिए इस अहम की उपलब्धि बुद्धि में होती है। इसीलिए धीहि स्थान उपलब्धौतु, तो यह चैतन्य कहां उपलब्ध होता है? होता है इस बुद्धि में। आप ध्यान से सुनो, यदि यह चैतन्य बुद्धि में उपलब्ध होता है तो बुद्धि को सुला के कभी परमात्मा की प्राप्ति होगी? देखो, जागृत रहो। हमको कई लोग बताते हैं, स्वामी जी आप जब मेडिटेशन की क्लास लेते हो तो लाइट क्यों नहीं ऑफ करते? बाकी महात्मा लोग जब मेडिटेशन की क्लास लेते हैं तो लाइट ऑफ करते हैं। हमने कहा बाकी महात्मा और मेडिटेशन करने वाले सभी सोना चाहते हैं, अंधेरे में पता नहीं चलता मेडिटेशन है कि सो रहे हैं। देखो, अंधेरे में करने का काम नहीं मेडिटेशन, कोई चोरी थोड़ी है। हे स्विच ऑफ करो, क्या मेडिटेशन कर रहे? ये चोरी कर रहे? देखो, अपने बुद्धि को जागृत रखो और उस जागृत बुद्धि में तत्व की पहचान होती है, नहीं तो आप फंस जाओगे। इसीलिए धी स्थान उपलब्धौतु, और उसकी उपलब्धि कैसी होती है? स्व एकाग्र्यात् सा उपलभ्यते। जब हमारा ध्यान केवल इस चैतन्य के तरफ है, ध्यान से सुनना, जब आप अपना ध्यान अपने ही इस बुद्धि में उपलब्ध होने वाले चैतन्य के तरफ करोगे तो क्या होगा? बुद्धि गायब हो जाएगी। कैसे? आंखों से आप सब देख रहे हैं, आप कानों से सुन रहे कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आंखों से देख रहे। अब इसीलिए हम कहेंगे कि आपकी आंखें काम कर रही है क्योंकि आप देख रहे। तो अपनी इतनी जो सुंदर आंखें हैं जो सबको देखती है, अपने आंखों से अपनी आंखों को देखो ना। तो हम अपनी आंखों से अपनी आंखों को नहीं देख सकते, तो क्या हो गया? आंखें गायब हो गई। इसी प्रकार से इस बुद्धि को अपनी तरफ मोड़ो तो बुद्धि गायब हो जाएगी और केवल चैतन्य रहेगा। बुद्धि का गायब होना माने क्या? वृत्ति का अभाव। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। और ये चित्तवृत्तियों का अभाव होने के बाद जो अपने अस्तित्व का भान है वही एकाग्रता का फल है, और उसी को कहेंगे परमात्मा की उपलब्धि। इसीलिए योगः चित्तवृत्ति निरोधः। जब हमारा चित्त पहले तीन भूमिकाओं से ऊपर उठ गया, ना तो वो चंचल है, ना तो वो मूढ़ है, और ना तो वो दुराग्रही है, ऐसा जो एकाग्र चित्त है। दुराग्रही कैसे होता है? मन या चित्त किसी एक जगह में फंसे हुए,
जो आदमी कहीं फंस जाता है ना, वो तत्व को नहीं पा सकता। हमको यहां से निकल करके जब हम अपने ही मन को अपने ही तरफ मोड़ेंगे तो उस एकाग्रता में प्रभु की अभिव्यक्ति हो जाती है। सो एकाग्रयात् सा उपलभ्यते, उपलब्धा जनीर्ण स्यात्। तीसरा प्रश्न था किम वा स्यात् तत्व, किम वा स्यात्। समझो हमको ये चैतन्य उपलब्ध हो गया, सो व्हाट। तो कहते हैं उपलब्धा जनि ही न स्यात्, फिर उसको जन्म मरण का चक्कर नहीं है। कबीर जी कहते हैं हम लोग हजार बार मरते हैं, ठीक से मरना भी नहीं आता। देखो, दोज हु आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनी जॉब, दे डू द सेम जॉब 10 times, इज इट नॉट। जिनको ठीक से मरना भी नहीं आता हजार बार मरते, अरे ठीक से मरो ना, मरने में भी जान होनी चाहिए तब मरने में मजा आता है। तो जो असली मृत्यु है वो यही है कि हम इन पंचकोशों के परे जा करके अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जावे और फिर वहां से फिर अपने जीवन की लीला नाटक चलता रहे, फिर ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। देखो जीवन की फिर ये जो अनंत मस्ती है ये अखंड बनी रहती है और यही जीवन की परिपूर्णता है। और ऐसा ही व्यक्ति इस जगत में उत्तम ज्ञानी के रूप में रहेगा। सबके जैसा अत्यंत साधारण, देखो अपने में कोई विशेषता नहीं है। जहां विशेषता है वह बंधन है, जो सामान्य है वही मोक्ष है। देखो, लेकिन नॉर्मली बाबा जी बन गए तो विशेषता आ गई। हम टेबल पर बैठ के नहीं खाते, हम टेबल के नीचे बैठ के खाते। अच्छा नीचे बैठो। हम चम्मच से नहीं खाते, हम डायरेक्टली मुख से खाते। क्यों? पूर्व जन्म केस उसका। अरे राम, जहां गए वहां हो जाओ ना, वैसे क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए यह तत्व की उपलब्धि जब हो गई तो आदमी फिर पैदा नहीं होता। हम लोग क्षण क्षण में पैदा होते हैं और क्षण क्षण में मरते हैं। तो इसको लेकर के अगले प्रश्न पूछा जाता है धी केयम समाख्याता तदैकाग्र्यम च कीदृशम जनिर्वापी भवेत कासाम वदे तत्नुपनंदन। हे राजकुमार, हमको बताओ बुद्धि किसको कहते हैं और उसकी एकाग्रता कैसी होती है और जन्म लेना माने क्या। एक एक प्रश्न देखो कैसा सुंदर डेवलप हो रहा है। बुद्धि किसको कहते तो बताते हैं, चितिर जाड्यावृता धीस्यात ऐकाग्र्यम स्वात्म विश्रम जनिर देहात्मता बुद्धि श्रृणुत्वम ब्रह्म राक्षस। यहाँ का एक एक जो ये सिद्धांत प्रश्नोत्तरी है उसको उतार लो हृदय में तो आपकी पूरी आध्यात्मिक साधना कंप्लीट हो गई। पूरी आध्यात्मिक साधना कंप्लीट हो गई। एक बार हम जा रहे थे दिल्ली से पिलारी और हमारे सामने एक टैक्सी थी और टैक्सी पर पीछे से लिखा था, हमको पढ़ते पढ़ते तंग आ गए, इसका अर्थ क्या होगा। लिखा था बापे दी फुल कृपा। बापे दी फुल कृपा, इसका क्या अर्थ है भाई। मेरा चिंतन उसे भी शुरू हो गया, बापे दी फुल कृपा, बापे दी फुल कृपा। फिर समझ में आया, अरे भगवान की पूरी कृपा है, बापे दी फुल कृपा। देखो भगवान को वो बापे कहते और फुल माने कंप्लीट। कृपा कृपा, पंजाबियों का कोई भरोसा नहीं, कहां क्या जोड़ लेंगे। अंग्रेजी की मम्मी लाएंगे और हिंदी का जी लाएंगे, मम्मी जी और डैडी जी, नारायण। तो यह जो चिति क्या है,
तो बताते चिति जाड्यावृताधी ही, ध्यान से सुनना, चैतन्य में जब जड़ता का अंश हो जाता है तब जड़ता अंश युक्त चैतन्य को बुद्धि कहते हैं। ध्यान से सुनना, आप यदि कभी गए हो या पिक्चर देखे हो, उत्तर ध्रुव की तरफ या अपने यहां गोमुख की तरफ चले जाओ तो वहां पानी है और पानी में आइसबर्ग्स होते हैं, हिम पर्वत। अब ये जो हिम पर्वत है या आइसबर्ग्स है, क्या ये पानी से अलग है क्या कोई वस्तु? पानी ही है, लेकिन इन आइसबर्ग की एक अपना व्यक्तित्व बन जाता है और जितना ऊपर होता है उससे 10 गुना नीचे होता है, ऊपर नहीं होता पूरा का पूरा। इसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य में जब जड़त्व का अंश आ गया तो उसको बुद्धि कहते हैं। अब कैसे? अपने अस्तित्व का जो भान है उस अस्तित्व के भान में मैं के सिवा और कुछ नहीं है, उसको कहेंगे चेतना, उसको कहेंगे चिति, उसको कहेंगे संवित। उसमें ना तो इंद्रियों का व्यापार है, ना तो कर्म की परेशानी है, ना तो अपने होने का अभिमान है, केवल अपने अस्तित्व का भान मात्र है। यह हो गई शुद्ध चिति या चैतन्य। अब इस शुद्ध चिति चैतन्य में जड़त्व आ गया। कैसा? मैं बूढ़ा हूं। बूढ़ा क्या है? देह है। तो मैं के साथ देह जुड़ गया तो चैतन्य का मन बन गया। आदमी के साथ पत्नी जुड़ गई तो आदमी का पति बन गया। तो पत्नी क्या है? जड़त्व। ये पत्नी मुझे मारेगी एक आध दिन। तो जहां चेतना में जड़त्व ने प्रवेश किया तो उसी जड़ युक्त चेतना को मन कहते हैं। अब देखो, जड़त्व किसको कहते हैं? जड़त्व कहते हैं अनात्म भाव को, जड़त्व कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु का ज्ञान जब हमको होता है कि ये माइक है तो ये माइक मैं नहीं हूं, ये स्पष्ट ज्ञान होता है। हम कहते नहीं लेकिन ज्ञान वैसे होता है कि मैं माइक नहीं हूं। समझो ये ज्ञान नहीं होता तो कितनी मजा आ जाती। ये माइक, अरे मैं माइक हूं क्या? नहीं। ये गधा, अरे मैं गधा हूं क्या? हाँ। तो यह ज्ञान में जो अनात्म भाव की उत्पत्ति है तो अनात्म भाव युक्त ज्ञान को ही मन कहते हैं। और जिस ज्ञान में अनात्म भाव का निर्माण नहीं होता उसको शुद्ध चैतन्य कहते। आप देखो कितनी सहज बात है, इसको केवल पहचानना है। और ये बताया नहीं जा सकता, आपको ही करना पड़ेगा। देयर इज नो प्रॉक्सी। लेकिन क्या हो जाता है हर बार, स्वामी जी ये कैसे करना? स्वामी जी उसका अर्थ है क्या? अरे अपने दिमाग को लगाओ ना, वही तो प्रॉब्लम है। कृपणा फल है तवा, थोड़ी तो बुद्धि दी है उसको विचार में लगा देगा, आगे क्या करेंगे? इसलिए धी क्या है? तो चिति जाड्यावृताधि स्यात्। अब देखो सेल्फ रियलाइजेशन क्या हो गया इस
परिभाषा के अनुसार जिस ज्ञान से अनात्म भाव निवृत्त हो जाता है, अनात्म भाव रहित ज्ञान को परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। अगली स्टेप। अच्छा बहुत हो गया, अभी बहुत है स्वामी जी, आज तो बड़ा ऊपर से जा रहा कल परसों मुझे किसी ने कहा था, स्वामी जी आज तो बहुत ऊपर से गया ऊपर से नहीं गया, बीच में से निकल गया, पता ही नहीं चला। तो देखो, अनात्म भाव के कारण यदि चैतन्य मन के रूप में विकृत हो जाता है तो साधना क्या होगी? अनात्म भाव को नष्ट करना। अनात्म भाव का मतलब क्या है? अनात्म भाव का मतलब है जिसको लेकर के मन में इच्छा निर्माण होती है वह अनात्मा है। देखो, हमको मैं के बारे में कभी इच्छा नहीं होती, कभी नहीं हो सकती। इच्छा हमेशा अन्य के बारे में होती है और इसीलिए हमारे साधु संत कहते हैं अपने मन से इच्छा को हटाओ। विषयान विषवत् त्यज। ये जगत के जितने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जितने नाते रिश्ते, ये जितने ये करना है वो करना है, इन सब का जब हम त्याग करेंगे, माने जब इनके प्रति हमारे मन में कोई भी इच्छा नहीं होगी तो अन्यत्व का जो भाव है वो समाप्त हो जाएगा। अब जैसे देखो, हमको अपने बारे में इच्छा नहीं होती, अन्य के बारे में होती है। तो यह शुद्ध चैतन्य में जब इच्छा का विष घुल गया तो वही शुद्ध चैतन्य मन के स्तर पर नीचे गिर गया। तो चितिर जाड्यावृता धीस्याद ऐकाग्र्यम स्वात्म विश्रम। और आगे प्रश्न था कि एकाग्रता किसको कहते हैं? तो कहते एकाग्रता कहते हैं स्वात्म विश्रम। स्वात्म विश्रम माने हम अपने में आकर के विश्राम करें। देखो, और असल में यही बात है, रोज हम करते हैं लेकिन मालूम नहीं कि ये हम कर रहे हैं। एक बार कहीं हम गए थे और एक सज्जन ने हमको कहा कि स्वामी जी हमको एकाध कोई उपनिषद का अच्छा मंत्र बता दो जिस पर हम चिंतन करें। हमने कहा ठीक है, सुनो, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास। स्वामी जी ये तो मुझे मालूम है, माने यह उपनिषद का मंत्र है ये मालूम नहीं था, मंत्र मालूम था। इसी प्रकार से मैं सबको मालूम है लेकिन पहचानती नहीं, इसी को मैं कहते हैं। और उस मैं को पहचानने के लिए जब हम संपूर्ण अनात्मा का संपूर्ण त्याग कर देंगे उसको कहते हैं एकाग्रता। एकाग्रता का तात्पर्य है केवल एक को ही अग्र रखा है और जगत में केवल परमात्मा ही एक है, बाकी अनेक है। एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। और इसीलिए ये एक दूसरा सिद्धांत हम आपको बताने जा रहे, ध्यान से सुनना। योग में बताते हैं त्राटक को, लाइट के तरफ एक वहां मोमबत्ती जला देंगे और वहां बैठ करके त्राटक करो, और उसके बाद क्या करो, जिद्दी बनो।
ये जितने त्राटक त्रुटक करने वाले बड़े जिद्दी होते हैं, दे आर नॉट एबल टू अकोमोडेट एनीवेयर। मेरी मुर्गी की एक ही टांग, अरे बाबा, लेकिन नॉर्मली तो मुर्गियों को दो टांगे होती है। नहीं, मेरी मुर्गी की एक ही टांग। ये जो दुराग्रह है यही तो हमको खा रहा है। इसका कारण क्या है? हम अन्य के प्रति दूर भाग रहे हैं। ध्यान से सुनना, जीवन में एकाग्रता को ज्यादा महत्व मत देना। यहां जो एकाग्रता की परिभाषा है वो अच्छी परिभाषा है। एकाग्रता माने सेल्फ अवेयरनेस, सावधान होके रहे। जितनी हमारे जीवन में सावधानी की मात्रा बढ़ेगी, जितना हम अपने जीवन का प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक हालचल, ये सभी का सभी जब अत्यंत जागृत होकर के जिएंगे, तब जाकर के हम साधना कर रहे हैं। अन्यथा जैसे नींद में बड़बड़ाते हैं, कोई उसका अर्थ होता है क्या? एक बार शायद हम पता नहीं कहीं थे और किसी से बात कर रहे थे और सो गए और वो बोले जा रहे और उठने के बाद हमको कहा, स्वामी जी आपने ऐसे ऐसे बताया। नहीं, मैंने नहीं बताया। बोले नहीं, आपने जरूर बताया। तो नींद में बोली हुई वस्तु कोई सत्य थोड़ी होती है। इसी प्रकार से हम इस जागृत नींद में बोले जा रहे उसका कुछ अर्थ है क्या? कुछ नहीं। इसीलिए संतो, जीवन में एकाग्रता माने अपने स्वरूप में अत्यंत सावधान होके रहना। और यदि हम अपने स्वरूप में अत्यंत सावधान होके जी रहे हैं, तो जगत के वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इनके कारण विक्षेप नहीं होंगे। दूसरी बात, यदि हम स्वरूप में अत्यंत जागृत होकर के हैं, तो नींद नहीं आएगी। नींद आना ये अत्यंत जड़त्व का लक्षण है। तीसरी बात, मन में दुराग्रह खत्म हो जाएगा। दुराग्रह जो है यह बुद्धि की पकड़ है, और ये दुराग्रह के कारण ही तो हम अपने को जीव मान के बैठे हैं। देखो, उदाहरण के लिए बताते, एक बार एक जगह हम गए तो वो सज्जन अपने वो सेक्रेटरी को डांट रहे थे। तो जैसे हम गए, स्वामी जी आइए आइए आइए। हमने कहा, मुझे तो आइए ही, उनको क्यों डांट रही थी? बिचारी कन्या कितनी प्यारी प्यारी है। स्वामी जी, जब तक डांटते नहीं ना, ये लोग काम नहीं करते। माने अब उनके दिमाग में गुस्सा करके काम करवा लेना, ये बात इतनी फिट हो गई है कि दूसरा कोई विकल्प हो सकता है, इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसको कहते दुराग्रह। देखो, जीवन में जो सबसे बड़ा ग्रह है, शनि, रवि, शुक्र, मंगल, ये जो ग्रह है ये छोटे मोटे है, ये दुराग्रह ये सबसे बड़ा है। दुराग्रह को हटाना हो तो ये छोटे पत्थर मत पहनना, एक हरक्यूलिस टाइप का सर के ऊपर रख लेना और चलते जाओ। क्या दुराग्रह का पत्थर है ये? पत्थर पहन करके किसी का भला नहीं हुआ। हाँ, जिनका दुकान चलता है उनका जरूर भला होता है, क्योंकि पत्थर उनके पास पहुंच जाते। प्रभु को छोड़ दिया, पत्थरों के पीछे लग गए। नारायण धी के यम चितिर जाड्यावृता धीस्यात एकाग्रम स्वात्म विश्रमहा। और हम सभी के सभी रोज अपने स्वरूप में लौट आते हैं। माने क्या करते हैं? अब ये रोज का अनुभव है। यदि आप इस दो चीज को करो तो आपको अलग से साधना करने की जरूरत नहीं। पहली साधना, सोते समय देखो कि आप कैसे सो रहे हो। धीरे धीरे बिल्कुल उसके बारे में जागृत हो जाओ, तो आपको पता चलेगा, पहले आप जगत को त्याग देते हो, फिर अपने घर की खिड़कियां बंद कर ली, फिर लाइट ऑफ कर लिया और फिर अपने चादर ओढ़ ली, धीरे 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 अपने में आ गए। और उसके बाद मुझे सोना है,
ये प्रयत्न का भी त्याग कर देते हैं। और जब सबका त्याग हो जाता है तो वहां जहां और जो होकर के हम रहते हैं इसके लिए कितना तरसते हैं हम लोग रोज। जीवन की सफलता किसको कहते हैं? जिसको बिस्तर पर लेटे बराबर नींद आती है और थाली के सामने बैठे बराबर भूख लगती है, उसका जीवन सफल है। नहीं तो पता नहीं आजकल नो हैड टू टेक एपिटाइजर नो आई डोंट। लेकिन ये अब 3 दिन का बना हुआ कितने दिन रखोगे इसको? खाओ ना आज। बता रही है भूख नहीं लगती है और पता नहीं स्वामी जी मुझे नींद भी नहीं आती। अच्छी बात है, रियलाइज लोगों को नींद नहीं आती। देखो इसीलिए हम रोज प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वरूप में लौट आते हैं और फिर जब जग जाते हैं तो चिल्लाने के स्थान पर फिर जरा जागृत हो जाओ, अब क्या हो रहा है। तो पहले अपने होने का भान, उसके बाद टाइम क्या हुआ, काल, मैं कहां हूं, देश, देश काल का गणित शुरू हो गया, संसार शुरू हो गया। देखो इसका रोज अभ्यास करो, रोज अभ्यास करो, धीरे 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 प्रभु की दया से एक आध दिन क्लिक हो जाएगा। हे ये तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अपन में ही चाहते जाते हैं और अपन को कुछ हुआ ही नहीं, ना तो कभी अपन सोए हैं ना तो कभी जगा है। देखो कितनी सहज साधना है। नहीं नहीं स्वामी जी आप हमको जरा अच्छी साधना बताओ। अच्छा गो माता की जय। क्या करो? रोज जाकर के गायों की सेवा कर, उनको धो के निकालना, उसके बाद उनके गोबर को इकट्ठा करना और गोबर का स्नान कर लेना रोज। गोबर का स्नान करने से मच्छर नजदीक नहीं आते, मालूम है आपको? ये जो बनते हैं ना ये मॉस्किटो रिपेलेंट, वो किससे बनते हैं? गोबर से ही बनते हैं। स्टैंडर्डाइज उपलो को, उपला किसको कहते मालूम है? काउडंग केक्स। स्टैंडर्डाइज उपलो को वो मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल्स कहते हैं और कुछ नहीं है। उसमें वो गोबर होता है सूखा वाला और अपने नीम के पत्ते होते हैं और थोड़ी धूप वगैरह होती है और बढ़िया पैकिंग होता है और वही कहेंगे कि चल जरा गोबर के उपले जला देना, ये क्या गंदगी लगा दिए, हम स्टैंडर्डाइज गंदगी लगाएंगे। तो स्वात्म विश्राम, हम ये सब करके चाहते क्या है? अपने में वापस लौट के आ जाए। जितना हम सूक्ष्मता से इसके बारे में जागृत रहेंगे, आप देखो आपके जीवन में इतने सुंदर सुंदर अनुभव आने लगेंगे कि जगत की छोटी मोटी चीजें आपको परेशान नहीं करेगी। उसके बाद तीसरी बात बताते हैं, जनी देहात्मता बुद्धि ही। जन्म किसको कहते हैं? जन्म माने देहात्मता बुद्धि, मैं देह हूं, इस बुद्धि को कहते हैं जन्म। ध्यान से सुनना, हम जितने बार जगते हैं नींद से उतने बार पैदा होते हैं। जैसे हम जितने बार सपना देखते हैं उतने बार स्वप्न पुरुष के रूप में पैदा होते हैं, तो अनेक स्वप्न पुरुषों को लेकर के, ड्रीमर्स को लेकर के कोई हमारा व्यक्तित्व बना गया। कारण एक ड्रीमर का, एक स्वप्न पुरुष का दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार से एक जागृत पुरुष का दूसरे जागृत पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं है। हर बार हम जगे पैदा हो गए, सो गए मर गए, फिर जगे फिर पैदा हो गए,
और ये अखंड चल रहा है और इसकी हमको इतनी आदत हो गई है, ये देह को त्याग करने के बाद ये गया कोई बात नहीं दूसरा पकड़ ले, फिर दूसरे देह में लगे रहते हैं। इसीलिए देहात्मता बुद्धि जो है इसी को जन्म कहते हैं। तो पहले मैं छोटा था, फिर टीनेज हो गया, फिर यंग अडल्ट हो गया, और फिर नॉट सो ओल्ड हो गया, और फिर आई थिंक ओल्ड हो गया, अब तो रियली ओल्ड हो गया। तो हर बार हम पैदा हुए तो देहात्मता, मैं देह हूं, इस भावना को ही जन्म कहते हैं। जन्म नाम की कोई वस्तु नहीं है अलग, और इसीलिए ना तो जन्मने का सेलिब्रेशन है ना तो मरने की कोई महत्व है। तो जनिर देहात्मता बुद्धि श्रुणुत्वम ब्रह्म राक्षस, इस प्रकार से इसके पश्चात आते हैं अगले प्रश्न, उनको हम कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।